और युद्ध का एक नियम है, जिसका मन ताकतवर है वो जीतेगा। अगर कंफर्म हो जाए कि क्या होना है जिंदगी में तो हम क्या कर सकते हैं, कर्म। युद्ध का सबसे बड़ा काम यही है, तुम्हें अपने अगल बगल के जो लोग है ना उनसे निपटना है। ये खुद ही मरे हुए लोग कमला पसंद खाने वाले, ये तुमको क्या हिम्मत देंगे। चार चीजें दुनिया में सबसे कीमती है, उनसे कीमती कुछ भी नहीं है। कानपुर से एक साहब है, वो लगातार मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारा एकदम से नहीं होगा। जब भी हम किसी बड़ी लड़ाई में जाएंगे, हम सब तो एक बार मन जो है पीछे की तरफ जाएगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारे बड़े सारे कोलीग हमसे कहते हैं तुम कुछ पढ़ाते ही नहीं। हमने कहा तुम ही पढ़ा के क्या उगाड़ लिए दुनिया में, पढ़ा रहे हो इतना, क्या कर डाले। पढ़ा के पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। एक उम्र के बाद सिखाया जाता है कि देखो बाबूजी ऐसे पढ़ा जाता है, पढ़ना तुम्ही को है, तुम्हारे दिमाग को ऑब्जर्व करना है, तुम्हारे दिमाग को सीखना है, हमें नहीं लड़ना ग्राउंड में, लड़ना तुम्हें है। और युद्ध का एक नियम है, जिसका मन ताकतवर है वो जीतेगा, यहां नहीं जीतेगा कहीं और जीतेगा। जिंदगी है ना तो चली जा रही। अब कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं कि हमको आईएएस ही बनना है, तो तुम ऐसा करो उज्जैन चले जाओ, वहां महाकाल की पूजा करो, चार बकरी बलि चढ़ाओ और दो भैंसा। अरे आप तो उल्टी सीधी बात बता रहे हैं। अगर कंफर्म हो जाए कि क्या होना है जिंदगी में तो हम क्या कर सकते हैं, कर्म। आडवाणी जी इतनी मेहनत किए प्रधानमंत्री कोई और बन गया। आजकल पार्टी से कह रहे हैं कि गांव का प्रधान ही बना दो यार, कुछ नहीं बनाए हो तो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ काम करना है, कुछ है ही नहीं उसके सिवा। और तुम जिस समाज से घिरे हो वो समाज का 98% आदमी, जब भी तुम बड़े खेल खेलोगे तो उसका 98% आदमी तुमको डिमोरलाइज करेगा। डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। तुम्हारा एग्जाम एकदम करीब आता जा रहा है और तुमने बगल वाले पड़ोसी से कह दिया कि भाई साहब डर बहुत लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ वैसे तो दे दो, तो तिवारी जी का लड़का चार अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ बेचारे का, लेकिन तुम दे दो कोई बात नहीं। युद्ध का सबसे बड़ा काम यही है, तुम्हें अपने अगल बगल के जो लोग है ना उनसे निपटना है। तुम्हारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, जितना पढ़ लिए अब उससे ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। अब अगर तुम सोचो कि लक्ष्मीकांत उठा के पढ़े तो तुम हिमालय चले जाओ, अब तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगे। जिनको एग्जाम देना है 5 जून का वो कुछ पढ़ नहीं सकते। अब तुम रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन अगर अच्छा हो जाए तुम बहुत सारी चीजें भूल रहे होगे, बहुत अच्छी घटना है ये। अगर तुम्हें लगे कि तुम भूल रहे हो तो अपने में कमरे में खड़ा होकर नाचो, बला टली कुछ याद। यूपीएससी को इस बात का अंदाजा है कि ये तुम्हारे साथ घटेगा। तो तुम कभी कभी देखो किसी से बात कर रहे हो और एक बार किसी का नाम स्लिप कर गया तुम्हारे दिमाग से, तो उस वक्त फील होगा तुमको कि यार नाम याद आ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं याद आएगा स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से। फिर तुम 3 दिन बाद पान खा रहे हो सड़क पे खड़े होके, तब तुम्हें याद आया यार कमलाकांत तिवारी की बात चल रही थी। तो यूपीएससी इस बात को समझती कि जैसे जैसे स्ट्रेस और प्रेशर बढ़ेगा तुमको लगेगा कि तुम चीजों को भूल गए हो, लगेगा ऐसा होगा नहीं। तो जब 4 ऑप्शन तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा दिमाग शांत होगा बस तुम्हें वहां से आंसर मिल जाएगा। प्रीलिम्स का सारा खेल यही है। इसलिए 98% लोग जो अंतिम में हार जाते हैं, कोई कुछ घटनाएं तुम्हारे साथ अब घटेंगी, पहली घटनाएं घटेगी तुमको लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ याद ही नहीं। तुम बाहर के लोगों से जाओगे हिम्मत मांगने, ये खुद ही मरे हुए लोग कमला पसंद खाने वाले, ये तुमको क्या हिम्मत देंगे, जिसकी खुद की जिंदगी पुकार पे चल रही है। जो खुद बीड़ी सिगरेट के सहारे जिंदा है वो किसी को क्या उत्साह देंगे। कोई चीज किसी को देने के लिए वो खुद के पास भी तो होनी चाहिए। जब तुम गाड़ी में बैठे हो तभी तो भिखारी तुम्हारे सामने आके हाथ फैलाता है। अगर तुम भी फटा कपड़ा पहन के उसके सामने से निकल जाओ तो तुम भले अंबानी हो तुमसे मांगेगा ही नहीं वो। तुम जब एक गाड़ी में बैठते हो तो तुम्हारी हैसियत की सूचक होती है कि 50 लाख की गाड़ी में बैठा है।
तो तुम्हारे सामने हाथ फैला देता। अब तुम अरबों रुपए के मालिक हो और नंगे पैर और शर्ट फटी हुई और सड़क पे जा रहे हो सकता है वो 2 रुपया तुमको दे दे। भैया चाय पी ले। तुम उत्साह सबसे मांग रहे हो, सबसे सबसे कीमती चीज है दुनिया की उत्साह। 4 चीजें दुनिया में सबसे कीमती है, उनसे कीमती कुछ भी नहीं है। एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस, एक शक्ति और चौथी समझदारी। ये 4 चीज दुनिया में बेशकीमती हैं। इनकी ये खरीदी ही नहीं जा सकती। या तो तुम्हारे अंदर है या तो तुम इन्हें डेवलप करोगे। और जितने युद्ध हारोगे उससे बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार होते चले जाओगे। अब कुछ लोगों के सामने छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं कि अब सर इस बार अगर हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे तो फिर हमारे गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी। उन लोगों की समस्याएं बड़ी जेन्युइन होती हैं, मतलब लेकिन अब उसमें किया क्या जा सकता है। लोग आते मेरे पास, मैं भी दुखी हो जाता हूँ। सर मेरा सिलेक्शन इस बार बहुत जरूरी है सर। तो क्या हुआ? मेरी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि पापा कह रहे थे इस बार शादी कर देंगे। चलो अच्छा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सर नहीं, इस बार सिलेक्शन लेना है सर। तो दूसरी से कर लेना। नहीं नहीं सर, हम उसी से करेंगे, दूसरे से कर लेना। इतना थोड़ा क्या, लड़कियां मर जाएंगी, लड़के सब मर जाएंगे दुनिया में। जा रहे जो जा रहा है उसको जा, उसको क्यों पकड़ रहे हो? तुमने अनावश्यक चुनौतियां अपने सामने खड़ी कर रखी। अनावश्यक। कानपुर से एक साहब है, वो लगातार मुझे फोन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारा एकदम से नहीं होगा। ये तुम्हें लग रहा है? नहीं, पापा भी मुझसे कह रहे थे। कुछ बेचारे माँ बाप नहीं समझ पाते, वो अपने ही बच्चों को डिमोरलाइज करते रहते। उत्साह बहुत कीमती चीज है, सबके पास है ही नहीं। मरे हुए लोग, मारुति वैगनार पे लिखा के घूम रहे हैं गॉड्स गिफ्ट। वैगनार गुस्सा होते हैं, खुद को गाली देते हैं खुद को। मैं अपनी गाड़ी एक भाई साहब की पार्किंग में खड़ी कर दी, गलती से हो गई, चले गए जल्दी में। वो चले आए, दरवाजा लॉक किया, बड़े गुस्से में थे। मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ब्रीड कौन सी हो। तो हर ब्रीड का अपना अपना बिहेवियर है ना। जर्मन शेपर्ड, पमेलियन, शिह ट्ज़ू, डॉबरमैन, सब रॉटवेलर, ये सबके अलग अलग नेचर है। तो बता दो फिर उस हिसाब से डील करेंगे। फिर वो और नाराज हो गए, बदतमीजी कर रहे हो। अरे भैया खुद ही बोले हो, हम क्या बोले? आपने तो बोले बहुत मैं कुत्ता आदमी हूं। तब मैंने पूछा कि अब फिर मेरे ऊपर नाराज हो रहा हूं, फिर बदतमीजी कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि भैया गलती हो गई, गलती से भैया आपकी पार्किंग में खड़ी हो गई, भैया जाके हटा देंगे। तुम खुद ही फैले चले जा रहे हो। तो जितनी बड़ी लड़ाइयां हैं, बड़ी, इसीलिए तो महाभारत का जो ग्रंथ हमारे देश में है वो इसी बात का तो ग्रंथ है कि हम सब अर्जुन हैं। हम सब जब भी हम किसी बड़ी लड़ाई में जाएंगे, हम सब तो एक बार मन जो है पीछे की तरफ जाएगा, यार हार ना जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा। ये सब मन की प्रवृत्तियां हैं, वो सबके साथ, ऐसा नहीं आपके साथ होती, हमारे साथ भी होती, सबके साथ होती। टैलेंट है उस परिस्थिति को ओवरकम करना। टैलेंट पढ़ना नहीं है। अभी जो लास्ट एक महीना है ये बहुत अच्छा रिवीजन होना चाहिए, बहुत बढ़िया। 30 पेपर निकाल लो, फुल पेज, फुल पेपर्स, आराम से बैठो, पेपर सॉल्व करो, करंट अफेयर्स तैयार करो। और जहां से भी तुम्हें उत्साह मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो फोटो ही लगा लो कमरे में, भगत सिंह की लगा लो, अंबेडकर की लगा लो, गांधी की लगा लो। तुमसे कम चुनौतियां इन लोगों ने नहीं देखी हैं।
राम की लगा लो, राजा के बेटे हैं, 14 साल जंगल में रह रहे हैं, इस धरती का नियम है उपलब्धि बिना संघर्ष के किसी की हुई नहीं, हुई नहीं सर जी, आप अपवाद नहीं है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए।